क्या आप इस नंबर को पढ़ पाएंगे? ये है 2000 करोड़, और ये वो अमाउंट है जो कमाया है कल्पना सरोज ने, वो भी सिर्फ 2 रुपए से शुरुआत करके। 1961 में महाराष्ट्र के अकोला के पास जन्मी कल्पना ने 16 साल की उम्र तक गरीबी, बाल विवाह, घरेलू हिंसा जैसे कई अन्याय सहे। पहले उन्हें दलित होने की वजह से स्कूल में बुली किया गया, और फिर 12 साल की छोटी सी उम्र में 10 साल बड़े शख्स से उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद वो मुंबई की एक झुग्गी में पहुंची, जहां छोटी छोटी गलतियों पर उन्हें मारा पीटा जाने लगा। शादी के 6 महीने बाद जब सरोज के पिता उनसे मिलने आए, तो उनकी हालत देख वो कल्पना को साथ लेकर घर आ गए। लेकिन समाज को एक शादीशुदा औरत का मायके आकर रहना किसी अपराध से कम नहीं लगा। कल्पना और उनके परिवार को इतने ताने दिए गए कि तंग आकर कल्पना ने 16 साल की उम्र में आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन समय रहते उन्हें अस्पताल ले जाया गया और उनकी जान बच गई, और साथ ही बदल गया कल्पना का नजरिया भी। एक पुलिस कांस्टेबल की बेटी होने के नाते उन्होंने पुलिस फोर्स में जाने की कोशिश की, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण वो ऐसा कर नहीं पाई। और तब वापस मुंबई आकर उन्होंने 2 रुपए रोज के हिसाब से एक होजरी कंपनी में काम करना शुरू किया, लेकिन 2 साल बाद पैसों की तंगी के कारण अपनी नजरों के सामने बहन को दम तोड़ता देखा। अब कल्पना ने कुछ बड़ा करने की ठानी। 50,000 रुपयों का लोन लेकर उन्होंने बुटीक शुरू किया, और पैसों की बचत कर एक फर्नीचर बिजनेस की। धीरे धीरे मुंबई में कल्पना एक बड़ा नाम बन गई। कुछ समय बाद देश में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया, और सुप्रीम कोर्ट ने 17 साल से बंद पड़ी कमाली ट्यूब्स को मालिकों के हाथ से लेकर वर्कर्स को कंपनी चलाने दे दी। साल 2000 में कल्पना ने कंपनी के सारे विवाद, सारे कर्ज का निपटारा करवाया, और कोर्ट की हर सुनवाई में जाने लगी। आखिरकार 21 मार्च 2006 को कोर्ट ने कमाली ट्यूब्स की कमान कल्पना के हाथों में दे दी। न ट्यूब्स की नॉलेज और न ही मैनेजमेंट का ज्ञान, फिर भी कल्पना ने वर्कर्स के साथ मिलकर मेहनत और हौसले के बल पर 17 सालों से बंद पड़ी कंपनी में जान फूंक दी। आज कल्पना सरोज कमाली स्टील्स, कल्पना बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जैसी दर्जनों कंपनियों की मालकिन है। समाज सेवा और उद्यमिता के लिए कल्पना को पद्मश्री और राजीव गांधी रत्न जैसे दर्जनों अवार्ड्स मिल चुके हैं। एक लड़की जिसके पास रहने को घर तक नहीं था, आज वो बिल्डर बनकर घर बेच रही है। एक लड़की जिसने खुद 9वीं तक पढ़ाई की, लेकिन आज IIMD के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल है। अगर कल्पना ये कर सकती है, तो आप क्यों नहीं? जरूरत है तो बस तबीयत से कोशिश करने की।